दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़, ग्रेट। सुल्तान से मीटिंग फिक्स करवाओ मेरी। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक बार फिर सोच लें, क्या हमें यूं अचानक से उनके शेयर्स खरीदने चाहिए? क्यों नहीं खरीदने चाहिए? शेयर्स लो पे लेके हाई पे बेचेंगे तभी तो अपने लॉसेस पूरे करेंगे आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा वेट कर लेते। सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सबका रिकॉर्ड कुछ बहुत ज़्यादा मुतासर कर नहीं है सर। देखो पहले की बात और है, लेकिन इस वक्त मार्केट में उनकी कंपनी की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है। शहर के सारे बिजनेस में से उनके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं और हमारी तो खुशकिस्मत ही हमें वो मौका खुद दे रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ सर, हमारे पास बैकअप में कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना नुमान, और कौन सा पहली बार है, हमेशा से यही कर लें। कंपनी के हालात कभी ऐसे हुए भी नहीं सर पहले, इसीलिए तो रिस्क ले रहा हूँ। चाहता हूँ कंपनी के अच्छे दिन फिर से लौट आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ये डील फाइनल हो। सो गेट द मीटिंग फिक्स्ड। सर वो मिस अरहा के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, उसका क्या करना है? वो मैंने लॉयर से बात कर ली, ही लुक इनटू इट। तुम ये मीटिंग पे फोकस करो, ओके? आई वॉन्ट इट डन। ओके। कल रात में जिंदगी में पहली बार मुझे शहीर अहमद पर रश कर। वो किस लिए? कमबख्त है किस्मत का धनी, हर दौर में उसे एक से एक हसीन औरत का साथ मिला है, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। वो लड़की नहीं कोई जादू है, कोई जादू। वो चाहे जितने भी जादू जगा ले, शहीर अहमद को जब कभी भी ज्यादा हसीन चेहरा नजर आएगा वो उसकी जान पड़ जाएगा। वो कभी किसी से वफा नहीं करता। ऐसी लड़की के साथ कौन काफिर किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही नशा है, और उसको पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। हो सकता है, लेकिन इस बार जो उसे लड़की मिली है वो कुछ अलग सी। देखते हैं इस बार कुछ अलग होगा या विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भी खेल के देख लेते हैं।